हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाबेली की चटनी। आप जब भी दाबेली बनाते हैं तो उस टाइम पर ये चटनी ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसके बिना दाबेली में टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लैंडिंग जार लिया है। अब मैं इसमें 10 से 12 गार्लिक क्लोव्स ऐड कर दूंगी और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर रोस्टेड पीनट लिया है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो पीनट से हमारी चटनी अच्छी थिक बनेगी और इससे इसमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टैंगी टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 से 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च स्पाइसी कम होती है और इसका कलर अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसका फाइन पेस्ट कर लेना है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देंगे। तो लीजिए, दाबेली के लिए हमारी रेड गार्लिक चटनी बनकर रेडी है। तो जब भी आप दाबेली बनाएं, ये चटनी ज़रूर बनाएं, इसके बिना आपकी दाबेली में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।